नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे दो टिप्स के बारे में बताने जाने वाली हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप 5 साल ज्यादा जी सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमें कांच के ग्लास में पानी पीना अच्छा लगता है, या हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम प्लास्टिक की बॉटल खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, ज़्यादा दिन प्लास्टिक की बॉटल में पानी पीने से आपको कैंसर हो सकता है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये डॉक्टर का सुझाव है। लेकिन मेरा सुझाव आपसे ये है कि आप आज से ही तांबे के बर्तन या तांबे की बॉटल में पानी पीजिए, बल्कि तांबे के बैक्टीरिया नाशक गुणों में मेडिकल साइंस बड़ी गहरी रुचि ले रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रयोग हुए हैं और वैज्ञानिकों ने यह मालूम किया है कि पानी की अपनी याददाश्त होती है। यह हर उस चीज को याद रखता है जिसको यह छूता है। पानी की अपनी स्मरण शक्ति होने के कारण हम यह बात पर ध्यान देते हैं कि उसको कैसे बर्तन में रखें। अगर आप पानी को रात भर या कम से कम 4 घंटे तक तांबे के बर्तन में रखें, तो यह तांबे के कुछ गुण अपने में समा लेता है। यह पानी खास तौर पर आपके लीवर के लिए और आम तौर पर आपकी सेहत और शक्ति स्फूर्ति के लिए उत्तम होता है। अगर पानी बड़ी तेजी के साथ पंप होकर अगणित मोड़ों के चक्कर लगाकर लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे आपके घर तक पहुंचता है, तो इन सब मोड़ों से रगड़ाते टकराते गुजरने के कारण उसमें काफ़ी दोष आ जाता है। लेकिन पानी में याददाश्त के साथ साथ अपने मूल रूप में वापस पहुँच पाने की शक्ति भी होती है। अगर आप नल के इस पानी को 1 घंटे तक बिना हिलाए डुलाए रख देते हैं, तो कुछ दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। टिप्स नंबर 2, शरीर को नींद नहीं बल्कि आराम दे। आप सोने किस वक्त जाते हैं यह तो आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन महत्व इस बात का है कि आपको कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। आपके शरीर को जिस चीज़ की ज़रूरत है वह नींद नहीं है, वह आराम है। अगर आप पूरे दिन अपने शरीर को आराम दें, अगर आपका काम, आपकी एक्सरसाइज, सब कुछ आपके लिए एक आराम की तरह है, तो अपने आप ही आपकी नींद के घंटे कम हो जाएंगे। लोग हर चीज़ तनाव में करना चाहते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग जब पार्क में टहलते वक्त भी तनाव में ही होते हैं। अब इस तरह का व्यायाम तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही करेगा ना, क्योंकि आप हर चीज़ को इस तरह से ले रहे हैं जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। आप आराम के साथ क्यों नहीं टहलते? चाहे टहलना हो या जॉगिंग, उसे पूरी मस्ती और आराम के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो सवाल घुमा फिरा कर वही आता है ना, मेरे शरीर को कितनी नींद की ज़रूरत है। यह इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह का शारीरिक श्रम करते हो। आपको न भोजन की मात्रा तय करने की ज़रूरत है, न ही नींद के घंटे की। मुझे इतनी कैलोरी ही लेनी है, मुझे इतने घंटे की ही नींद लेनी है, जीवन जीने के लिए ये सब बेकार की बातें हैं। आज आप जो शारीरिक श्रम करते हैं उसका स्तर कम है, तो आप कम खाए। कल अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो आप ज़्यादा खाए। नींद के साथ भी ऐसा ही है, जिस वक्त आपके शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा, यह उठ जाएगा, चाहे सुबह के 3 बजे हो या 8, आपका शरीर अलार्म की घंटी बजने पर नहीं उठना चाहिए। एक बार अगर शरीर आराम कर ले तो उसे खुद ही जग जाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपके लिए ऐसे ही और टिप्स लेकर आऊँगी। धन्यवाद।